हमारा मोदी का दुश्मन आगे का रिश्ता बता कंगना क्या करती है मोदी से, वो जानती होगी। नहीं तू ही बता दे, मैं क्यों बताऊं? प्यार करती है, किसान की फटी में टांग क्यों दे रही है? तो भी संदेश और देश के हर नागरिक को संदेश, अगर प्यार का दिन मानते हो तो कसम खाओ हर दिन प्यार नहीं किया, प्यार किया किससे? एक लास्ट क्वेश्चन, वैलेंटाइन डे पे सरकार को क्या कहना चाहेंगे? आज वैलेंटाइन डे है, क्या क्या कहना चाहेंगे? मैं जानता ही नहीं इस शब्द को क्या हो। शादी मेरी नहीं हुई, प्यार नहीं किया, जिंदाबाद। रुक जाओ भाई जरा, प्यार नहीं किया, प्यार किया किससे? अपने माँ बाप से किया, अपनी धरती माँ से किया, अपने देश के नागरिकों से किया। ये कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि ये प्यार का दिन है, किसी से भी कर सकते हो ना। एक एक दिन प्यार करें, बाकी दिन जूते मारे। तो उन अगर उन युवाओं को भी संदेश और देश के हर नागरिक को संदेश, अगर प्यार का दिन मानते हो तो कसम खाओ हर दिन अपने माँ बाप से प्यार करोगे, अपनी धरती माँ से प्यार करोगे और देश के अंदर से वृद्ध आश्रम खत्म करोगे। ये मेरा संदेश। तो फिर इसका मतलब तो आप बजरंग दल के साथ जा रहे हैं, वो भी तो यही कहते हैं। क्या वो कहते हैं कि ढूंढ ढूंढ के कि ये क्या संस्कृति से खिलवाड़ है? क्यों संस्कृति के खिलाफ है? क्या है माँ बाप से प्यार करना संस्कृति के खिलाफ है? अपनी पत्नी से प्यार करना संस्कृति के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं है, है? बिल्कुल नहीं है। ये नहीं करते और ये क्या कंगना रनौत से प्यार करने जाते हैं? कहाँ जाते हैं? कंगना रनौत का नाम क्यों ले आते हो बाद में? मैं इसलिए लाता हूँ कि किसान कोई भी सवाल सरकार से करे वो बीच में कूद के आ जाए, किसानों को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दे। तो अब किसानों ने एक सवाल एक करा, तो विरोध करते हैं ना, जैसे आपको हक है वैसी उनको भी हक है समर्थन में बोलने का। सरकार का विरोध करे ना, हम तो सरकार का कर रहे हैं। विरोध करते हैं ना सरकार, वो सरकार का समर्थन करती है। क्यों, क्या रिश्ता है मोदी का और उनका? क्या रिश्ता है, क्यों विरोध करते हैं? किसका, मोदी का? हमारा मोदी का दुश्मन आगे का रिश्ता। उनका प्यार का रिश्ता। सुनो, अपना हक अधिकार बताते ना, सवाल करना, तो उनका भी तो हक और अधिकार ही है ना। हमसे क्या सवाल है उसका? किसका? क्या देश की गृह मंत्री है? कानून अच्छे लग रहे होंगे। देश की गृह मंत्री है? नहीं, देश की प्रधानमंत्री है? देश की कानून मंत्री है? नागरिक है ना? आज देश की नागरिक है? इस देश की नागरिक है? नागरिक है? किसान तो नहीं है? नागरिक है किसान? देश किसान तो नहीं है वो? कौन? वही कंगना। ये कौन तय करेगा कौन किसान है? अरे जिस पे जमीन है। हाँ तो? जिस पे जमीन है वो देश का किसान है। सिर्फ किसान ही समर्थन कर सकते हैं क्या? सिर्फ किसान ही समर्थन और विरोध करेंगे किसी कानून का? जो देश के लिए कानून आया है वो देश का हर एक। ये देश के लिए नहीं आया, और ये किसानों की फांसी के लिए आया। मतलब नहीं, मैंने कहा कि मैं मोदी से नफरत करता हूँ। बता कंगना क्या करती है मोदी से? वो जानती होगी। नहीं तू ही बता दे, मैं क्यों बताऊं? प्यार करती है, पर यही रिश्ता आप बोल सकती हो। अरे यही यही रिश्ता तो देश पूछना चाहता है कि एक 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 हीरोइन का छज्जा टूटता है और वाई या जेड प्लस की सुरक्षा मिल जाती है, और यहाँ तो कितने जवान शहीद हो गए, कितने हमारे किसान शहीद हो गए हैं, उसको तो कोई एक सिपाही भी नहीं मिला। देश यही तो पूछता है इस रिश्ते को क्या कहलाया जाता है, देश पूछता है। व्यक्तिगत टिप्पणी करते हो? क्यों टिप्पणी क्या करने? जब जब देश का प्रधानमंत्री बन गया तो फिर व्यक्तिगत कहाँ रहेगी? नहीं, कंगना रनौत प्रधानमंत्री है क्या? है? कंगना रनौत प्रधानमंत्री है। वाई प्लस की सुरक्षा किस चीज के लिए है? सुरक्षा के लिए। क्यों क्यों क्या क्या है देश की? एक्ट्रेस है, एक्टर है, नाच गाने वाले तो बहुत फिर है, और भी तो है। हाँ तो कि सिर्फ कंगना ही क्यों? हाँ वही है, कंगना खास है, झांसी की रानी, इसलिए है खास है, बीजेपी की झांसी की रानी। क्यों झांसी की रानी का नाम बदनाम कर रहे हो? वो देश के लिए लड़ी थी और ये पैसों के लिए नाचती है। वो तो बोलती है ना। अब एक बात बताइए ताऊ जी, वो उनका एक प्रोफेशन, जैसा आपका किसानी करना है, फावड़ा चलाते ना, कोई आप पर आरोप तो नहीं लगाता क्यों फावड़ा चला रहे हो? तो अगर उनका प्रोफेशन ये है कि वो डांस करें या वो एक्टिंग करें, तो इसमें आप तो एक्टिंग करें, तो किसान की फटी में टांग क्यों दे रही है? किसान की फटी में टांग तो मुद्दों पे तो बात कर सकती है। क्यों करेगी मुद्दों पे? क्यों नाचने गाने पे करके ऐसे नाचना ऐसे गाना और उससे पैसे इतने लेने और उससे इतने लेने। किसान ने कभी बात करी थी? किसान ने फिल्म लाइन वालों कुछ कहा था? किसान ने कहा कि सरकार काले कानून लाई वापस करे, MSP पे गारंटी का कानून दे। ये कूद कूद के सारे आ रहे। अरे नेता बिक गए, अभी नेता बिक गए, बिक गया क्रिकेट का भगवान।
देश में एक ही तो बचा है जिसे कोई माई का लाल नहीं खरीद पाया, उसका नाम है देश का किसान। ठीक है, आपकी आपकी आवाज उठाना ठीक है, लेकिन आप अपने विरोध के चक्कर में आप सबका विरोध करना शुरू करते हैं, क्रिकेटर, एक्ट्रेस, जो भी इस देश का बड़ा सेलिब्रिटी होगा सबका विरोध करेंगे। किसका? अभी आपने बोला। अरे जब ये कर रहे, पहले वे बोल रहे, हम थोड़ा ही, पहले उन्होंने चोंच खोल ली तब हमने घुसंड मारा। अगर वे चोंच ना खोलते तो हम घुसंड मारते ही नहीं। गद्दार को गद्दार कहना अगर गुनाह है तो हर बार करूंगा, हर बार करूंगा। लेकिन गद्दार को ना, किसी सेलिब्रिटी को थोड़ी। सेलिब्रिटी क्यों बीच में पड़ रहा किसानों के? किसान नहीं करता है। अच्छा ठीक है, अभी तो किसानों का मुद्दा है, कृषि कानून का मुद्दा है, इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे बता। आज तक तुमने हमारे मुंह से जब तक ये नहीं बोल रहे थे, किसी के बारे में सुना था? बहुत सारे मेरे मुंह से सुना था। मैं आपकी बात, मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ। अगर मैं उस पर पर्सनल अटैक कर रहा हूँ तो उसने हमारे बारे में पर्सनल किया ना किसान, इसलिए मैं बोल गया। किसी किसान ने पहले कहा था कि सेलिब्रिटी आ जाओ हमारे बीच में और हमें जो विरोध कर लो, कहा किसी को? जो आपका समर्थन करे सेलिब्रिटी वो सही है, उनका भी विरोध करो ना, कि आप क्यों बोल रहे हो हमारे बीच में। और उनसे ही तो कह रहे हैं हम। किससे? और उनसे ही तो कह रहे हैं कंगना को। और क्या कह रहे हैं? कंगना तो आपके विरोध में है, आप ऐसा मानते हैं। जो आपके समर्थन में है उनका तो आप अच्छे से कहते हो हाँ ये बढ़िया है। हमने किसका कहा बता? कैसे का? इरफान पठान है या विदेशी है, क्या नाम है उसका? रिहाना। नहीं, एक बात तो बताओ, फिर वही बात आ जाएगी। है हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी। अगर ये देश का प्रधानमंत्री होते हुए अमेरिका में जाके कहता है अब की बार ट्रंप सरकार, तो वो अमेरिका का आंतरिक मामला नहीं था, वो भारत का मामला था। और एक न किसी ने मुहाजिक, भाई हम जो है कई लाख किसान पड़े, इससे तो सरकार घबराई नहीं। और एक विदेशी ने कोई ट्वीट कर दिया, सारों के मिर्ची लगी। अभी इनके मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? बताओ है, अगर कोई ट्वीट कर रहा तो इतने घबरा रहे। इन्होंने ऐसा मौका क्यों दिया कि विदेशी इसके बारे में बोले? पहले अपने किसानों को क्यों नहीं समझा पाए? आप ये चाहते हो कि देश की छवि जो है बाहर धूमिल हो? कि जब छवि अच्छी हो रही थी अब की बार ट्रंप सरकार, भारत की नागरिक वो है, क्या बोल लग रहे हैं उसे, हैरिस जो उपराष्ट्रपति जो लड़ी है चुनाव, हैं हाँ, भारत की वो है, क्या बोलते हैं उसे जो विदेश में जाकर NRI, वो वहां चुनाव लड़ रही थी और ये भारत की महिला के खिलाफ वहां चुनाव प्रचार कर रहा था। अब वो जीत गई तो भारत की इज्जत तो बहुत बढ़ गई होगी कि देश का प्रधानमंत्री उसका विरोध कर रहा था, उसने इसे अमेरिका में थूथड़ी पे मार दिया इसके जीत के है? और दूसरा चीन के राष्ट्रपति को बुला के झूला झूला रहा और उसे अपने हाथ से चाय बना के पिला रहा, उसे बता रहा कि मैं तो चाय वाला हूँ, देख ऐसी बनाऊ है। और वहां 20 जवान मरवा दिए गलवान घाटी में। ये जो यहाँ इतनी बड़ी बैरिकेटिंग कर रखी है, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी कील गाड़ दी थी है सारे बॉर्डरों पे, ये गलवान घाटी में क्यों नहीं है? ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्यों नहीं है? है किसानों पे ही रहेगी, ये देश का दुर्भाग्य है। और मैं फिर कह रहा हूं, जब देश आजाद हो रहा था ये RSS वाले अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, ये तब भी जयचंद थे, ये आज भी जयचंद है।